कल दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मुफ्त में मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। आज हम मिडोमॉल 300 टैबलेट के बारे में बात करेंगे। अगर इस मिडोमॉल 300 mg टैबलेट के बारे में टोटल जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें ध्यान से और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सामने आपको ये खूबसूरत सा स्टेवरी डिज़ाइन का लिफाफा दिख रहा होगा जो कि मिडोमॉल 300 mg का टैबलेट रखा हुआ है जो कि 300 mg पैरासीटामॉल है। और ये इस तरह के पैकेट में आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ये फिजिशियन सैंपल है जो कि डॉक्टर लोगों को दिया जाता है ट्रायल करने के लिए मरीज़ों के ऊपर। आपको इस तरह की स्ट्रिप में मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। इसके कंपनी पे भी नज़र डालते हैं। ये देखिए ये मेडोफार्म कंपनी का है और काफ़ी स्टैंडर्ड कंपनी है। इसकी मेडिसिन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप पे आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। और ये लोगो ये इंडिकेट करता है कि आपने मिडोमॉल 300 mg टैबलेट ओरिजिनल ख़रीदा है मेडोफार्म कंपनी का। और ये पीडियाट्रिक टैबलेट है यानी कि किड टैबलेट बोल सकते हैं, यानी कि छोटे बच्चों में दिया जाता है जिनका एज 5 साल से ऊपर है, यानी कि 5 साल से लेकर 12, 13, 14 साल तक के बच्चों को हम दे सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये स्टेवरी फ्लेवर में है और ये डिस्पर्सिबल टेबलेट है यानी कि पानी में घुलने के बाद पानी में अच्छी तरह से घुल जाएगा। देखिए एच डिस्पर्सिबल टेबलेट कंटेंट पैरासीटामॉल 300 mg दिया हुआ है और इम्प्रूव्ड फार्मूला है। और ये बहुत ही अच्छा इसका साल्ट है पैरासीटामॉल का। पैरासीटामॉल का यूज़ कहाँ किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। ये एंटी पायरेटिक और एंटी एनालजेसिक ड्रग है। एंटी पायरेटिक यानी कि फीवर हो, जैसे कि मलेरिया का फीवर हो, टाइफाइड का फीवर हो, या चिकन पॉक्स या चिकनगुनिया या डेंगू का फीवर हो या मौसमी फीवर हो, उन कंडीशन में इसको दिया जाता है। और एंटी एनालजेसिक का मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी में छोटे बच्चों के बॉडी में, जैसे कि मैंने बताया कि 5-6 साल से ऊपर के बच्चों को ये दे सकते हैं, अगर उनके बॉडी में पेन हो, जैसे कि दांत में पेन हो या कान में दर्द हो या पैरों में दर्द हो या हाथ में दर्द हो या गर्दन में या बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द हो, ये अच्छा काम करेगा। इसके खाने से दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये 300 mg में है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि टैबलेट जब हम यूज़ करते हैं तो सिरप वगैरह से काफ़ी सस्ता पड़ता है। यह 10 टैबलेट आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा, जबकि हम अगर 250 mg यानी कि DS सिरप खरीदें पैरासीटामॉल का तो 40 से 45 रुपये का पड़ेगा और 1, 2, 3 खुराक में ही बच्चे को रिलीफ हो जाती है और बाकी सिरप जो ख़राब हो जाता है। बट अगर हम टैबलेट लें तो 2-3 टैबलेट में अगर नॉर्मली जो प्रॉब्लम हो, जैसे कि फीवर की या दर्द की, पेन की, तो वो 2-3 ही टैबलेट में सही हो जाएगा, यानी कि आपके पैसे की बचत होगी। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, अगर पैरासीटामॉल लंबे टाइम तक चले तो लीवर पे उसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इसलिए आप पैरासीटामॉल का अगर यूज़ कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह पे यूज़ करें। डॉक्टर जितना दिन तक कहा है उतना ही यूज़ करें, उस अपने मन से ना यूज़ करें। और भी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि इसके खाने से कभी कभी लाल लाल दाने या एलर्जी हो जाती है या खुजली स्टार्ट हो जाता है या सांस लेने में तकलीफ़ होती है या पेट में दर्द या लूज मोशन वगैरह की शिकायत हो सकती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए तो अपने डॉक्टर से मिलें।
अगर इस मिडोमॉल टेबलेट के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं, नहीं इसके डोज के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि 5 kg से 5-6 kg 5-6 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसको एक एक गोली दिन भर में 2 बार भी दे सकते हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो दिन भर में 3 बार भी दे सकते हैं। इसका यूज़ हम 10 से 15 दिन तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें। अगर इस मिडोमॉल टेबलेट के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।